दोस्तों अभी हम जहाँ पर हैं इसे कहते हैं जगत फार्म, ये ग्रेटर नोएडा में है। नॉर्मल शहरों जैसी एक मार्केट है जहाँ पर लगभग सभी सामान मुहैया हो जाता है। नॉर्मल शहर कहने का मतलब है ये कि जो है शॉपिंग मॉल नहीं है, बट शॉपिंग मॉल जैसे भी हैं वही आधुनिकता लिए हुए हैं। दो दो चार चार फ्लोर के, पाँच पाँच फ्लोर के बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनमें लोगों ने किराए पर लेकर के दुकानें खोल रखी हैं। स्ट्रीट फूड है यहाँ पर, पार्किंग भी, क्योंकि सड़क है तो सड़क के आसपास पार्किंग की भी छोटी मोटी व्यवस्था है। तमाम जो है सामान यहाँ पर सस्ते दामों में उपलब्ध होता है, जो कि जब आप ऊंची इमारतों में जाते हैं तो वहाँ मेंटेनेंस और कई तरह के जो है उगाही होती है, बहुत महंगी दुकानें खरीदनी होती हैं। यहाँ पर जो है कम वेस प्राइस कम रहता है, इस नाते मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये केमिस्ट्री लगा रहा हूँ कि जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको हर ज़रूरत का हर सामान मिल जाएगा। जैसे जैसे आप एक नॉर्मल शहर में, जैसे मैं कानपुर में जाता हूँ, सोमदेव प्लाजा में बैठ जाता हूँ जा करके, है ना, तो बिल्कुल उसी तरह का हिसाब किताब यहाँ बैठता है। आप कानपुर गए, सोमदेव प्लाजा में बैठ गए जाके, बगल में मेन रोड, बरसात में टूटे हुए पेड़। ग्रेटर नोएडा के शॉपिंग डेस्टिनेशंस में से एक है जहाँ पर लोग आते हैं यहाँ के रिहायश जो है यहाँ पर। और ग्रेटर नोएडा की जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत मतलब जो है रीजनेबल है कंपेयर टू जो है नोएडा, क्योंकि यहाँ पर जो रेंट भी हैं, जो घरों के रेंट हैं या जो घरों के प्राइस हैं, वो ग्रेटर नोएडा के अपेक्षा काफ़ी टिकाऊ हैं, सस्ते और टिकाऊ हैं। तो जगत फार्म की मार्केट ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर आप ज़रूरत का तमाम सामान ले सकते हैं, समय बिता सकते हैं, खाना खा सकते हैं, गली कूचों में घूम सकते हैं। मैं पुनः आपको मेन रोड से होते हुए वहाँ ले चलता हूँ जहाँ से मैं भी आया था, ताकि आप दर्शन कर लें। नोएडा एक्सटेंशन से जब आप शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो अमूमन क्या होता है कि ग्रेटर नोएडा पास पड़ता है। ग्रेटर नोएडा पास पड़ने का मतलब ये, वो चूँकि जो हमारा नोएडा एक्सटेंशन है उसको नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कहा जाता है, तो ये ग्रेटर नोएडा प्रॉपर सिटी है, अमृतपुरम चौक है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप इधर आते हैं तो एक भी रेड लाइट नहीं पड़ती, आपको स्मूथ रोड है, हरे रोड है। जब आप नोएडा की तरफ जाते हैं शॉपिंग करने तो डिस्टेंस लगभग बराबर है, लेकिन नोएडा जाने में आपका जो समय खर्च होता है, आपकी जो ऊर्जा खर्च होती है, आपका जो पेट्रोल खर्च होता है वो ज़्यादा होता है। और दूसरा, वहाँ पर जाकर के आप पार्किंग के तमाम झंझटों में फंसेंगे, महंगा सामान खरीदेंगे, भीड़ में जाएंगे। उससे अच्छा होता है कि आप जो है जगत फार्म आ जाएं या ग्रेटर नोएडा के किसी और शॉपिंग मॉल में आ जाएं जहाँ पर भीड़ कमोवेश कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, और इस नाते क्या होता है कि आप जो है बहुत ही इत्मीनान से कोई काम कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। दुकानें जगत फार्म की प्रमुख एंट्रेंस है यहाँ से, तो हम दुकानें यहाँ पर यूजुअली यहाँ पर ट्रक खड़े हैं, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रहती है, लेकिन आज यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं तो इसलिए पार्किंग नहीं है। और इस नाते जो है गाड़ियाँ देखिए कि एक एक जो सड़क का एक जो लेन है पूरी वो गाड़ियों से पटी पड़ी है। तमाम छोटे छोटे मॉल, छोटे छोटे दुकानें, स्ट्रीट फूड, जलेबी की दुकानें सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जीवन का लुत्फ उठाना है तो एक बार जगत फार्म आना है। मैं अक्सर आता हूँ यहाँ सपत्नी सपरिवार। गाड़ियाँ आई गाड़ियाँ, काना आई केयर ऑप्टिक्स, और ये देखिए कि जो शॉपिंग मॉल है अंदर तक, थ्रीपल का एक शोरूम है यहाँ पर जहाँ पर आप जाके कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। पूरा मार्केट रेड टेप के शूज से लेकर के आपको जो है राटो की घड़ियाँ तक मिल जाएंगी। ए प्लाजा, बी प्लाजा, सी प्लाजा, सभी तरह के प्लाजा हैं यहाँ जगत फार्म में।